हमारी हैसियत को तुम क्या समझोगे गालिब, हम 128 साल बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करवा देते हैं। अगर ऐसा कहता हुआ कोई अगर आपको विराट कोहली का फैन मिलता है तो बिल्कुल भी हैरान मत होइए, क्योंकि विराट कोहली को ऐसे ही किंग कोहली नहीं कहा जाता है। दरअसल 128 साल के बाद अब क्रिकेट को भी ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा, जो 2028 में अब जो ओलंपिक्स गेम होंगे उसमें अब आपको क्रिकेट भी देखने को मिलेगा। इससे पहले भी ओलंपिक्स में क्रिकेट खेला गया है, सन 1900 में एक खेल खेला गया था, उसके बाद से क्रिकेट को ओलंपिक से बिल्कुल ही हटा दिया गया। उसके बाद अब 128 सालों के बाद जो लॉस एंजलिस में जो ये 2028 में ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। अब क्रिकेट आपको 2028 में ओलंपिक्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि अब 128 सालों के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट होगा, मुद्दा ये है कि अब 128 सालों के बाद किसकी वजह से क्रिकेट होगा ओलंपिक्स गेम में। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई जिसमें वोटिंग हुई कि क्रिकेट को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, तो ज्यादातर लोगों ने इसका सपोर्ट किया। सिर्फ दो ही लोग ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट थे, अदरवाइज सबने सपोर्ट किया कि ओलंपिक्स में क्रिकेट भी शामिल होना चाहिए। लेकिन मजेदारी वाली बात यह है कि जब क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा था तो उस वक्त सिर्फ एक शख्स का नाम सामने आया और वो नाम था विराट कोहली। कहा गया कि विराट कोहली एक ऐसा शख्स है जिसके 340 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के तमाम जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उन सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है विराट कोहली के। विराट दुनिया भर में जितने भी एथलीट्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले खिलाड़ियों के मामले में ये तीसरे नंबर पे आते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जो पहले नंबर पे होंगे वो होंगे रोनाल्डो होंगे, दूसरे पे मैसी, और तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। 340 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, सोचिए कितनी बड़ी शख्सियत है ये। और ये सारी बातें इस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी, ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये सारी की सारी बातें वहां पे कही गई थी। तो सोचिए कि कितना प्राउड मोमेंट होगा हमारे हिंदुस्तान के लिए कि जब हमारे एक खिलाड़ी की वजह से या हमारे एक खिलाड़ी का नाम आता है उस वक्त जब ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है और किसी का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ एक विराट कोहली का जिक्र हुआ वहां पे, तो कितना प्राउड मोमेंट था ये हमारे लिए। और आपके लिए भी बिल्कुल ही प्राउड मोमेंट होगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिखिए जय हिंद। और अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।